ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਅੱਜ 1588 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਰ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 6.4% ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 524 ਕੇਸ, ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 335 ਕੇਸ ਅਤੇ ਯੋਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पिछले 24 घंटिया दौरान सूबे दे विच 38,422 के करीब कोविड के टेस्ट किए गए, जो सरकार वालों रखे गए एक दिन के टीचे नालों बेहद घट हैं। देखा जाए तो मार्च 24 तो बाद अज सामने आए केस सब तो घट मने जा रहे हैं। इस वक्त सूबे के हस्पतालों के 1,401 जाने अपना कोविड का इलाज करवा रहे हैं, जिन्हों के 735 लोगों को ICU रखा गया है। राहत की गल है कि हस्पतालों के कोविड पीड़ितों की गिनती हर दिन घटती जा रही है, जिस तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द सूबे दे विचों स्टे एट होम ऑर्डर हटाया जा सकता है। हस्पतालों के कोविड पीड़ितों के आंकड़े दे विच आई गिरावट नूं देखदिया फोर्ड सरकार ने गैर जरूरी सर्जरीज, जो कुछ हफ्ते पहला रोक दित्तियां गईयां सन, उसनूं मुड़ तो शुरू करन दी गल आखी है। सोमवार तो गैर जरूरी सर्जरीज जो पेंडिंग पईयां ने उसनूं मुड़ तो शुरू कर दिता जाएगा। सूबे के हालातों सुधार होंदा दिखाई दे रहा है, ऐसे में सूबे नूं मुड़ दोबारा खोलना है या नहीं, इस ते सरकार विचार कर रही है।